मुख्यमंत्री जी, आप ग्लोबल इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा आयोजन, उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। जब कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको तीन चार चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। ए, जगह अपराध मुक्त हो, दूसरा जगह भ्रष्टाचार मुक्त हो, तीसरा यहाँ पर हर छोटी छोटी बात पर राजनीति न चलती हो, जिसे आप तुष्टिवाद की राजनीति या अन्य तरह की राजनीति, और भाई भतीजावाद और परिवारवाद हो, और महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठते हो। ये मैंने कुछ कैटेगरीज बांटी। इन चीज़ों से उत्तर प्रदेश निकलने में कामयाब रहा है पिछले 6 सालों के अंदर। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, सबसे पहला मुद्दा मैं अपराध का लेना चाहता हूँ। अपराध कितना बड़ा, लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा चैलेंज था जब आप मुख्यमंत्री बने थे, और आज कैसे परिवर्तन आया है? देखिए, 2017 में, मार्च 17 में जब हम लोग आए थे, उससे पहले उत्तर प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। 2012 से 17 के बीच में छोटे बड़े 700 से अधिक दंगे हुए हैं। 2007 से 12 के बीच में 350 से अधिक दंगे हुए हैं। बहुत सारी जगह प्लान की स्थिति पैदा हो गई थी। प्रदेश के अंदर संगठित अपराध पैरेलल गवर्नमेंट चलाते थे, माफिया व्यवस्था पे हावी थे। आज मुझे इस बात पे संतुष्टि है कि जब सरकार अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, और जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ, उस जनादेश के अनुरूप हम माहौल देने में सफल हुए। आज संगठित अपराध की कमर तोड़ दी गई है, दंगा मुक्त प्रदेश हो गया है। महिला सुरक्षा हो या प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण वह प्रदेश दे रहा है, और उत्तर प्रदेश के इस प्रसेप्शन का लाभ हमें उत्तर प्रदेश की छवि को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में भी मदद की है। दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार। ऐसा कहते थे कि यहाँ की धमनियों के अंदर भ्रष्टाचार है, ब्लड के अंदर भ्रष्टाचार बहता है उत्तर प्रदेश की सरकारों के अंदर, राजनीति के अंदर। इससे कितना मुश्किल रहा, कितना चैलेंजिंग रहा आपको निपटना? देखिए, हर नागरिक भ्रष्ट नहीं होता, कुछ चंद लोग होते हैं, और जब उन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो जाता है तो वह एक प्रकार से कोड़ में खाच का काम करता है। इन पेशेवर माफियाओं को और पेशेवर भ्रष्टाचारियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था। आज वे सभी या तो जेल में हैं या उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करवा करके उनको सजा दिलाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभालते ही देश के अंदर जो तमाम रिफॉर्म किए, उसमें टेक्नोलॉजी को अपनाने पर उन्होंने जोर दिया। प्रदेश में उस टेक्नोलॉजी का लाभ हम लोगों को हर एक स्तर पर प्राप्त हुआ। जैसे एक क्षेत्र था खाद्यान्न का, खाद्यान्न वितरण में उत्तर प्रदेश में घोटाले की शिकायत हमेशा होती थी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो खाद्यान्न गरीबों को या कॉमन मैन को वितरित होता है, ई पॉस मशीन हम लोगों ने लगवाई। 80,000 राशन कोटी की दुकान यूपी के अंदर है, ई पॉस मशीन लग चुकी है। ई पॉस मशीन से एक तो आज शिकायत एकदम जीरो हो गई है, दूसरा इससे सरकार को भी 1200 करोड़ रुपये सालाना की बचत हुई है। टेक्नोलॉजी ने एक तो हर जरूरतमंद तक खाद्यान्न का लाभ पहुंचाया है, उसकी सुविधा उस तक पहुंचाई है, दूसरा उसमें जो लीकेजेस थे उस लीकेजेस को रोक करके सरकार ने अपनी बचत भी की है। ये जो कार्यक्रम चले, प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यवस्थित रूप से चलाए, और यही कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उद्यमी और व्यापारियों की सुविधा के लिए भी किया। आज उत्तर प्रदेश अपने हर इन्वेस्टर पार्टनर के लिए
न केवल सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दे रहा है बल्कि किसी भी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त एक ऐसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है जिसमें सुगमता पूर्वक अपना निवेश वह यूपी के अंदर कर सके। जैसे किसी निवेशक ने उत्तर प्रदेश की किसी पॉलिसी पर विश्वास किया, इसके लिए हमने अलग अलग सेक्टर की पॉलिसीज बना दी, और किसी एक पॉलिसी पर वह विश्वास करता है कि मुझे इस पॉलिसी के तहत निवेश करना है, तो निवेशक के लिए आवेदन वह करे, निवेश मित्र पोर्टल जो सिंगल विंडो सिस्टम है 350 से अधिक क्लियरेंसेस देने के लिए तत्पर रहता है। निवेशक संतुष्ट है और वह संबंधित विभाग या शासन के साथ अपना एमओयू करना चाहता है, तो एमओयू की प्रक्रिया पूरी होते ही फिर निवेश सारथी उसकी मॉनिटरिंग के लिए है कि इस एमओयू को अब जमीनी धरातल पर उतारना है। निवेश पूरा हुआ तो निवेश पूरा होने के बाद शासन से मिलने वाली इंसेंटिव भी उसे समयबद्ध तरीके से मिल सके, इसके लिए IMS इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम इसका पोर्टल तैयार है। तीनों यानी मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त एक ऐसी व्यवस्था हर एक निवेशक और इन्वेस्टर को हम लोगों ने राज्य के अंदर देने की व्यवस्था की है जो किसी भी प्रकार के सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है ही, लेकिन निवेशक के विश्वास को अर्जित करने और उसको एक उचित माहौल देने और उसको कार्यालय कार्यालय भटकने की नौबत ना आने पाए इसका भी अवसर है।